आज हम बनाएंगे कागज में खाना। मजाक नहीं कर रहा, सही में कागज में खाना बनता है। फ्रांस में इस टेक्निक को आ पॉपियोट कहा जाता है। आ पॉपियोट मतलब कि इन द पेपर, यानी कि इन द पेपर। अब घर में अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें आपको इंप्रेस करना और झटपट खाना बनाना है, इस टेक्निक को देखिए, वो भी आपके किचन फ्रेंड के साथ। ऑडी पार्चमेंट पेपर हैपेंस लाइक दिस। दिस इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल टेक्निक, जनरली यूज फॉर फिश, बिकॉज फिश बड़ी जल्दी से कुक हो जाती है। लेकिन इसमें सब्जियां भी पका सकते हैं आप, फ्रूट्स भी पका सकते हैं। सो आई गॉट अ पीस ऑफ फिश जिस पे हम थोड़ी सी ये नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाइम जूस डालेंगे, मेरे पास है कुछ फ्रेश हर्ब्स, फिश एंड मस्टर्ड आर ग्रेट फ्रेंड्स। आई एम जस्ट गोना जस्ट स्मीयर द मस्टर्ड ऑन टॉप ऑफ इट एंड देन वेरी इंटरेस्टिंग, ये सब्जियां जो हैं, इनको साइड में लोड करेंगे। अब फिश को हमने सब्जियों के साथ सजा दिया है, अब इस तरह से हम इसे अब पैक करेंगे। मेरा बढ़िया कुकिंग फिश बैग तैयार हो गया। अब इसे आप पैन पे भी पका सकते हैं, इसे आप ओवन में भी पका सकते हैं। अगर ओवन में पकाएंगे तो 180 डिग्री पे कम से कम 8 से 10 मिनट लेगी ये फिश और अच्छी तरह से ये पक जाएगी। अब होगा क्या कि ये ओवन में ड्राई हीट में पक रही है, यानी कि ये बेक हो रही है। बेकिंग इनसाइड अ शीट ऑफ पेपर विद वेजिटेबल्स विद मैरिनेशन, यानी कि फ्लेवर्स इंटैक्ट, कहीं पे कोई लॉस नहीं होगा। ये टियर प्रूफ है, इसका मतलब ये फटेगा नहीं, ये जलेगा नहीं। दिस गोज इनसाइड द ओवन एट 180 डिग्रीज फॉर अबाउट 10 टू 12 मिनट्स। अब जब तक ये पक रहा है, तब तक अपने गेस्ट के लिए कुछ ड्रिंक्स बनाइए, कुछ रिफ्रेशिंग बनाइए। मैं भी कुछ रिफ्रेशिंग लेके आता हूं। आहा, ठंडक, बढ़िया एंजॉय हो रही है साथ में अपोपियोत, यानी कि कागज में पकी हुई मछली। अब इसे बड़े तहजीब से खोला जाए और ये फिश बढ़िया से एकदम तैयार, ये देखिए। अब प्लेटिंग हो जाए, इन सब्जियों को अच्छे से सजाया जाएगा, बढ़िया बेक्ड फिश तैयार है, बिल्कुल ऑयल फ्री कुकिंग। ये ऑडी पार्चमेंट पेपर के साथ, दिस इज शॉर्टकट टू कुकिंग, शॉर्टकट टू ग्रेट कुकिंग। ट्राई तो कीजिए।